तुम्हारी सास की जगह और कोई भी होता तो वो भी यही समझता। उनका कसूर थोड़ी है, जिस तरह उनके सामने चीजें आ रही हैं उनको तो यही लगेगा ना उनसे बात छुपाई गई। तुम मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई बात। साईं मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। आंटी ने खुद ही समझ लिया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और समझा तो समझा, साईं ने भी आंटी की हाँ में हाँ मिलाई। और फिर एक साथ सब कुछ आंटी के सामने आ गया। ना खामखा में परेशान हो रही, जब साइम जैसा अच्छा इंसान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस चीज का डर है? बिसाम वाली बात भी उसने कितनी अच्छी तरीके से हैंडल की, कितना अच्छा जवाब दिया तुम्हें। तो तुम्हें किस चीज? चल मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं वाकई उससे बहुत इंप्रेस हूँ। वो इतना काइंड और केयरिंग इंसान है तुम्हारे लिए। बस बस ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, मेरा है वो। अच्छा जलसी हो रही है? जी मेरी बहन, वो आप ही का है, आप संभाल के रखिए अपने साईं को। नाराज तो नहीं होगी? नहीं वो मर गया वो, खबरदार उसका आइंदा नाम लिया तो समझी। अरे कीड़े पड़ गए उसे, लानत भेजो उस पे, अपनी जिंदगी जियो फजर। नहीं, बस वो मैं जब भी खुश होती हूँ ना, उसका खौफ दिल में आ जाता है। तुम्हें अपनी हंसती खेलती जिंदगी अच्छी नहीं लगती? उसका ख्याल निकाल दो जहन से, ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, उनको भी तो फेस करना है ना। लानत भेजो उस मनहूस पे, बस खुश रहो। खाना लगा दिया है, सब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, सब वेट कर रहे हैं डिनर पे। सुनो मत सोचा करो उसके बारे में, और प्लीज प्लीज खुश रहा करो। खुश रहूंगी और नहीं सोचूंगी बिल्कुल भी। दाफिस। अल्लाह हाफिज़।